अस्सलामुअलैकुम, कुकिंग विद सैदा में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी ये वाइट चिकन कोरमे की रेसिपी, जो बेहद आसान तरीके से मैंने बनाकर तैयार किया है। तो आइए देखते हैं मैंने किस तरीके से ये वाइट चिकन कोरमे को बनाया है। तो यहाँ पर वाइट चिकन कोरमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1/2 kg चिकन ले लिया, इन्हें मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं इसे मैरिनेट करके रख दूँगी। मैरिनेशन के लिए मैं इसमें डालूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग वाइज नमक, आप अपने हिसाब से नमक ऐड कीजिएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पर अदरक लहसुन के पेस्ट को ऐड करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी, थोड़ा सा कूट लिया है काली मिर्च को, हल्का हल्का कूट लिया है। अगर आपके पास वाइट ब्लैक पेपर पाउडर है तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने काली मिर्च को कूट कर इसमें ऐड कर दिया है, करीबन 1/2 चम्मच के करीब है ये। अब मैं इसके बाद इसमें ऐड करूँगी दही, 250 ग्राम मैंने इसमें दही ऐड कर दूँगी। दही को मैंने फेंट लिया है अच्छे से, और दही जो है वो सादी वाली है, खट्टी वाली नहीं है। अब मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने चिकन को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे 1/2 घंटे के लिए एक साइड रख दूंगी मैरिनेशन के लिए, और दूसरी साइड जो है चिकन कोरमे के जो मसाले हैं उसे मैं तैयार कर लूंगी। तो यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम पे एक वेसल ले लिया है, अब मैं गैस की फ्लेम को ऑन कर दूंगी। तो यहाँ पर ये गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें 1 से 2 चम्मच के करीब तेल ऐड कर दूंगी। हल्का सा गर्म होने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी प्याज। प्याज मैंने 2 बड़े साइज के ले लिया है, उसे मैंने कट कर लिया है क्योंकि ये तेल में अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर प्याज को ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूंगी 10 से 12 काली मिर्च, 1 चम्मच जीरा, 6 हरी इलायची, यहाँ पे मैंने ले ली है जावित्री थोड़ी सी, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 10 से 12 काजू, तीखे के हिसाब से यहाँ पे मैंने हरी मिर्च ले लिया है। हरी मिर्च से ही हम वाइट चिकन कोरमे को तीखा करेंगे, क्योंकि इसमें लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इस लाल मिर्च ऐड करने से जो वाइट चिकन कोरमे का कलर है वो चेंज जाएगा। और यहाँ पर मैंने ले लिया है वाटरमेलन शीट, करीबन 2 से 3 चम्मच। अब मैं इसे भी इसमें ऐड कर दूँगी। इन्हें ऐड करने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम रखकर मैं इसे भून कर सॉफ्ट कर लूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने 3 से 4 मिनट तक का इन्हें भून कर सॉफ्ट कर लिया है। प्याज जो है हमारे वो भी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूँगी। गैस की फ्लेम को बंद कर इन्हें हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद एक मिक्सी की जार में डालकर इनका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसी पतीली में वाइट चिकन कोरमे को बनाकर तैयार करूँगी, जिसमें मैंने जो है प्याज और मसालों को भूनकर सॉफ्ट कर लिया था। अब मैं गैस की फ्लेम को ऑन कर दूंगी, बिस्मिल्लाह, और इन्हें गर्म होने के बाद इसमें मैं तेल ऐड करूँगी। तो अब मैं गैस की फ्लेम को ऑन करने के बाद इसमें मैं 1 कप के करीब तेल ऐड कर दूंगी, और साथ ही साथ इस तेल में मैं ऐड करूंगी मक्खन बटर को। यहाँ पर तेल और बटर को ऐड करने के बाद ये गर्म हो चुका है। अब मैं गैस की फ्लेम को मीडियम रखकर इसमें मैं 2 तेज़पत्ता, 4 से 5 काली मिर्च और 2 हरी इलायची को ऐड कर दूंगी, और बस इन्हें थोड़ा सा सॉटे कर लूंगी इस तेल में। मैंने बटर इसलिए इसमें ऐड किया है क्योंकि वाइट चिकन कोरमे का जो टेस्ट है वो थोड़ा और भी बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने बटर का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकते हो। तो थोड़ा सा सॉटे कर लिया है, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चिकन
चिकन जिसे मैंने मैरिनेट कर कर आधे घंटे के करीब इसे रख दिया था एक साइड। तो यहाँ पर जिस चिकन को मैंने मैरिनेट करके रखा था आधे घंटे के करीब, उसे मैंने इस तेल में ऐड कर दिया है और इसे मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे ढककर गैस की फ्लेम को मीडियम रखकर 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। 5 से 7 मिनट में जो दही का पानी है वो भी रिलीज होकर सूख जाएगा, इसलिए मैं इसे गैस की फ्लेम को मीडियम रखकर 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। उसके बाद हम बाकी के जो मसाले हैं इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इन्हें ढककर गैस की फ्लेम को मीडियम रखकर 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर दही का जो पानी है वो रिलीज होकर सूख चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी मसाले, जिसे मैंने मसाले को मैंने मिक्सी के जार में ग्राइंड करके उसका पेस्ट तैयार कर लिया था। ये देखिए, यहाँ पर प्याज और काजू को जो मैंने सॉफ्ट करके इसका जो मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है उसे मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी प्याज और काजू का जो पेस्ट जो मैंने तैयार किया था भुनकर, उसे मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर जो है प्याज और काजू का जो मैंने पेस्ट तैयार किया था उसे मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इन्हें मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद फिर से मैं इन्हें ढककर 4 से 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। 4 से 5 मिनट में जो हमारे मसाले हैं वो अच्छी तरीके से चिकन में मिक्स हो जाएंगे और जो मसालों की कच्ची स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए गैस की फ्लेम को मीडियम रखकर इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 मिनट के लिए इन्हें ढककर पकने के लिए छोड़ दिया था। चलिए चेक करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर जो है हमारा चिकन भी अच्छी तरीके से भुन चुका है और तेल भी जो है वो सरफेस तक आ चुके हैं। अब मैं इसे अच्छी तरीके से चलाकर इसमें जो है मैं पानी ऐड कर लूँगी ग्रेवी के हिसाब से। ग्रेवी के हिसाब से मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी, आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने ग्रेवी के हिसाब से इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी गार्निश के लिए थोड़ा सा हरा धनिया, हरे धनिया की जगह आप कस्तूरी मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया है गार्निश के लिए। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी दूध के ऊपर की जमी हुई मलाई। आप कुछ ही तो आप क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैंने दूध के ऊपर की जो जमी हुई मलाई होती है उसे मैंने निकाल कर इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इन्हें मिक्स कर लूंगी। तो मिक्स करने के बाद मैं इसे ढककर बस 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। 2 मिनट में हमारा वाइट चिकन कोरमा बनकर तैयार हो जाएगा। फिर मैं इसे आपको सर्व करके बताऊंगी एक बाउल में। मैं इसे 2 मिनट के लिए ढककर पकने के लिए छोड़ दिया था। अब मैं गैस की फ्लेम को कर दूंगी बंद। तो चलिए मैं इसे एक बाउल में आपको सर्व करके बताती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसे एक बाउल में सर्व कर लिया है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मेरे
मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं मेरी अगले नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।